अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WTV न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रॉपर्टी को लेकर दो बेटों के बीच हुई बहस के चलते झगड़ा हो गया। कोलसावाड़ी बेगम बाजार के शुक्रम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी का बेटा विमल पनवर, दूसरी बीवी के बेटे पवन पनवर और हरीश पनवर और पहली बीवी के बेटे विमल पनवर का बेटा धैर्य पनवर। मजलूम का बेटा पवन पनवर और हरीश पनवर जो बात को हजम नहीं कर पाते थे, अक्सर उन पर हमला करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। इसी सिलसिले में इसी महीने की 13 तारीख को कोलसावाड़ी में बच्चे अपने घर में क्रिकेट खेल रहे थे तो एक छोटी सी बात को लेकर फसाद खड़ा हो गया। पवन पनवर और हरीश पनवर, जिन्होंने सोचा था कि वो एक ही थे, सुरेंद्र देवड़ा, यश देवड़ा, जवाहर मल पनवर, विमल पनवर, मंजू पनवर, किराएदार सुनीता भाटी, इन्होंने दो बैट और रॉड से मारा। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। मजलूमों ने गवर्नमेंट से अपील की कि वो कमिश्नर को कंप्लेन करें और कसूरवार को सख्त सजा दिलवाएं। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। मैं सुरेंद्र देवड़ा, 18 साल का हूँ। मैं बेगम बाजार कोलसावाड़ी मैं रहता हूँ। यहाँ आज 13 संडे को मैं ऊपर छत पे खेल रहा था, उतने में हमारे नीचे जो किराएदार रहते हैं पवन पवार, उन्होंने ऊपर आए हमारे क्रिकेट के बीच में, वांटेडली हमें रोक के मेरे साथ बहसबाजी की और मुझे बैट से मारना चालू कर दिया। अटैक हुआ मेरे पे, बैट से यहाँ सर पे मारा है। दोनों भाई हरीश पवार, पवन पवार, हरीश पवार पकड़ के रखा, पवन पवार मारा। जो भी हमारे मतलब घर में रिलेटिव मतलब घर वाले जो भी बीच में आए रुकाने, उनको सबको मारा। एट प्रेजेंट जेंट्स में मैं एक ही था, लेडीज़ों पे हाथ उठाया, हमारे मम्मी पे, सब पे, जो भी हमारे बुआ बीच में आए, हमारे दादा पे भी हाथ उठाया। और उन्होंने इससे पहले भी ये कामा कर चुका है, धमकी भी दिया जान से मारने की, हम पुलिस में कंप्लेन करें, पुलिस भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे को इंसाफ दिलाओ। उसको जेल को भी बोले तो उन्होंने हमारे को ऐसा बोल रहा कि मैं जेल में गया, बाहर आया बाद भी मारूंगा तुम्हारा को, तुम कितनी बार भी जाते जेल में आके बाहर मारूंगा, तो हमारी प्लीज प्रोटेक्शन करिए। हम मेरा भाई का लड़का है और उसका लड़का पवन हरीश है, तीनों जने मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे और मेरे को मारपीट भी करे। मैं बच्चे को छुड़ाने गया तो मेरे को मारे, फिर और कल ऐसो चप्पल से मारे। और आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरे को जान का खतरा है, नीचे आ तेरे को तो जान से ही मारता हूँ बोल के बोला। कई लोग नीचे खड़े थे और उनके सबके सामने ऐसा बोला, तो इंसाफ होना चाहिए। मैं मतलब क्या है कि 79 साल का हूँ और मेरे को इंसाफ होना चाहिए। साल पहले झगड़ा हुआ था घर खाली कराने के लिए, केस चल रहा और मेरे को बहुत परेशानी है और जैसा भी घर खाली होना चाहिए। भाटी, यहाँ किराएदार हूँ, बच्चों की आवाज़ जाए चिकने की तो ऊपर गए, मारपीट हो रही थी तो बच्चे को छुड़ाने को गए तो मेरे को भी मारे। और तुम लोग यहाँ काहे को रह रहे, घर खाली करो, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा बाप का थोड़ी, हम किराएदार है, इनका फैमिली मैटर है, हमारे को काहे को मारना, उन्होंने हमारे को भी इंसाफ होना। मैं सुरेंद्र देवड़ा, 18 साल का हूँ। मैं बेगम बाजार कोलसावाड़ी मैं रहता हूँ। यहाँ आज 13 संडे को मैं ऊपर छत पे खेल रहा था, उतने में हमारे नीचे जो किराएदार रहते हैं पवन पवार, उन्होंने ऊपर आए हमारे क्रिकेट के बीच में, वांटेडली
हमें रोक के मेरे साथ बहसबाजी की और मुझे बैट से मारना चालू कर दिया। अटैक हुआ मेरे पे, बैट से यहाँ सर पे मारा है। दोनों भाई हरीश पवार, पवन पवार, हरीश पवार पकड़ के रखा, पवन पवार मारा। जो भी हमारे मतलब घर में रिलेटिव मतलब घर वाले जो भी बीच में आए रुकाने, उनको सबको मारा। एट प्रेजेंट जेंट्स में मैं एक ही था, लेडीज़ों पे हाथ उठाया, हमारे मम्मी पे, सब पे, जो भी हमारे बुआ बीच में आए, हमारे दादा पे भी हाथ उठाया। और उन्होंने इससे पहले भी ये कामा कर चुका है, धमकी भी दिया जान से मारने की। हम पुलिस में कंप्लेन करें, पुलिस भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे को इंसाफ दिलाओ। उसको जेल को भी बोले तो उन्होंने हमारे को ऐसा बोल रहा कि मैं जेल में गया, बाहर आया बाद भी मारूंगा तुम्हारा, तुम कितनी बार भी जाते जेल में आके बाहर मारूंगा। तो हमारे प्लीज़ प्रोटेक्शन करिए। हम मेरा भाई का लड़का है और उसका लड़का पवन हरीश है, तीनों जने मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे और मेरे को मारपीट भी करे। मैं बच्चे को छुड़ाने गया तो मेरे को मारे, फिर और कल ऐसो चप्पल से मारे। और आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाओ मेरे।